हो गया है हमारी फूल सी बच्ची के साथ, ना कुछ बोलती है ना कुछ खाती है ना पीती। आप इतनी तैयार क्यों? कहीं जा रही हो? के घर जा रही हूँ। थारे बापू, ये सब किया धरा थारे बापू का ही है, यही फसाद की जड़ है। पता नहीं किस जन्म का बदला है जो तेवर जी के रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो गए। समधन जी, शांत हो जाइए। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। कोमल बेटा, अपने बड़ी अम्मा को जाने दो, नहीं तो तुम्हारे पापा को शक हो जाएगा। यहाँ पर सचिन है, सारे नहीं है, मैं है, वी विल टेक केयर ऑफ यू। तो मैं चढ़ूं? ऐसे आ, बड़ी माँ के गले नहीं लगेगी? लगूंगी ना बड़ी माँ। हमारी लाडो हमेशा मुस्कुराती रहे, खुश रहे। बड़ी माँ, माँ को हमारी साइड से बहुत सारा प्यार देना और कहना उनकी कोमल ने भेजा है। बिल्कुल इसी तरीके से शांता को मैं गले लगाऊंगी, थारा प्यार मिल जाएगा उसे। बड़ी माँ, अब बहुत अच्छी है, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। अरे, कर दी ना हमारे लाडो ने छोटी सी बात। अरे माँ, माँ अपने बच्चों पे ऐसा ना करती। दोबारा कभी ऐसा मत कहना। भाई लाडो, ध्यान रख। कोमल बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ हूं। मेरे लिए जैसे सरोजिनी वैसे तुम हो। I'm always there for you. And me too. चाची, आप बेडरूम में बैठे बैठे बोर हो गई होंगी ना, आप ना यहाँ बैठिए, आपको ना फ्रेश फील होगा। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? चाय पियेंगे आप? लो जी, ये आ गई। ये लीजिए गरम गरम चाय और बिस्किट। पापा,
आपने क्यों तकलीफ ली? मैं बना देती ना चाय। अरे तू क्या क्या करेगी? शांता को तू संभाल रही है, रसोई तू संभाल रही है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए रसोई में मैं घुस जाता हूँ। उसको मत बताना लक्ष्मी को, वरना दिन रात मुझे रसोई में घुसेड़ दिया करेगी। जेठ जी, आप रसोई में मत जाया करिए, अच्छा नहीं लगता। उसके लिए हम लोग हैं ना। शांता, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। ये चाय पी के देख, तूने ऐसी चाय पी नहीं होगी, टेस्ट करके देख। चाची पीजिए ना। कैसी लगी? बहुत अच्छी बनी है पापा, इतनी अच्छी बनी है कि मैं तो अपने चाय का टेस्ट भूल गई। जा? है ना चाची? मैं भी, आपका दावा बिल्कुल सही निकला, चाय तो एकदम हटकर है। कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। मैं पी के देखता हूँ, बनी तो अच्छी होगी। कैसी लगी? अच्छा समझा, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैं शक्कर डालना भूल गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं डाली। वो शक्कर डालने से ना डायबिटीज हो जावे, इसलिए मैंने नहीं डाली। इसलिए शक्कर मतलब शक मत कर। अच्छा पापा, अगर ऐसी बात है ना तो आज के बाद आपकी चाय में शक्कर नहीं डालेगी। अरे ऐसा थोड़ी ना काम है ना, मतलब कभी कभी डाल सकते हैं, कभी कभी डाल सकते हैं। अच्छा कभी कभी का क्या मतलब हुआ? हाँ मतलब दिन में 3-4 बार डालो। 3-4 बार? अरे पापा आप भी ना सच में। हाँ, बहुत अच्छा हूँ, है ना, ये कहना चाह रही ना तू है? शांता तू क्यों चुप है? तेरे लिए शक्कर ले आता हूं मैं। नहीं जीत जी, मैं वैसे भी मीठा कम ही पीती हूँ। पर अब खाना शुरू कर भाई, तू सिकुड़ती जा रही है। मतलब? ओ, मतलब जैसे कॉटन का कपड़ा श्रिंक हुआ है ना, सिकुड़े है, वैसे सिकुड़ रही है तू। सरोजनी इसे दूध दही मक्खन दे भाई, सिकुड़ती जा रही है। और तू भी लिया कर, खर्च तो तू भी हो रही है। पापा मुझे एक बात बताइए, आप शुरू से इतने मजाक के आए क्या? ना 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 ना, मेरे साथ जो हुआ है ना शादी के बाद ही हुआ है। इंसान को जो भी काम करना हो ना बड़ा, शादी से पहले कर देना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले लड़का लड़की को बेपनाह चाहता है, शादी के बाद केवल पनाह चाहता है। पापा आप ये सच में मीन करते हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे अभी लक्ष्मी नहीं है, I mean it. अगर वो होती तो मैं मजाक कर रहा हूं। अरे माँ अब मजाक मत कर तू। अरे लक्ष्मी बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरा ही जिक्र कर रहा था मैं। Shut up.
गया, सब बर्बाद हो गया। मेरी बच्ची है, मेरी कोमल, मेरी कोमल मुझे छोड़ के चली गई। शांता, हमारी कोमल हमारी कोमल को कुछ ना होगा, कुछ ना होगा हमारी कोमल को। विक्रम की लाश मिली है, हमारी कोमल की लाश ना मिली है। हिम्मत रख, कुछ ना होगा उसे, कुछ ना होगा हमारी कोमल को। बस हिम्मत रख, प्रार्थना कर, तू भी प्रार्थना कर भगवान से, मैं भी प्रार्थना करूंगी। हमारी कोमल वापस आ जाएगी। कोमल, हाउ आर यू फीलिंग बेटा? कोमल, डिड यू स्लीप प्रॉपरली? कोमल, कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? चाय, कॉफी? ना। कोमल बेटा, शी इज अ डॉक्टर, तुमसे मिलने आया। हाय कोमल। नो नो, यू बी कंफर्टेबल, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आई हूं। सचिन, जरा पर्दे तो खोल दो, लेट द सनलाइट कम इन। कोमल, तुम्हें सनलाइट अच्छी लगती है? कोमल, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, विल यू बी माई फ्रेंड? देखो ना, कितना अजीब है ना, मैं आज तुमसे पहली बार मिलने आई हूँ और फ्रेंडशिप करने के लिए बोल रही हूँ। इट लुक्स ऑड ना, बट क्या करूँ, तुम इतनी स्वीट हो इसलिए मैंने पूछ लिया। कोमल बेटा, यस बोल दो। हाँ बोलो। कोमल, अगर ये लाइन इनको बोल देते ना तो 20 बार हाँ बोल चुके होते अभी तक। कोई बात नहीं, रहने दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, यू जस्ट रिलैक्स। ओके, शालिनी जी, प्लीज आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आएंगी? ओके ओके डॉक्टर। सचिन, थम यही रुक जाओ। कोमल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सुबह उठकर क्या खाना पसंद है? आई मीन, व्हाट यू हैव इन ब्रेकफास्ट? चाय पीती हूँ मैं। चाय? ओके, और चाय के साथ? चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ। चाय के साथ बिस्किट, गुड। और ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में
मैं कभी कभी करती हूँ। अच्छा तो ऐसा शुरुआत से ही है या फिर अभी अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा? ना पहले तो मैं बहुत खाती थी, पर अब मने ना भूख लगती है और ना ही खाने की इच्छा होती है। ओके कोई बात नहीं। तो वैसे तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद है? मेरा मतलब है कि इडली, वड़ा, पोहा, उपमा। सिर्फ पोहा अच्छा लगता है। पोहा? पोहा तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो एक काम करते हैं, सचिन तुम शालिनी जी से कहो कि पोहा बनाए, मैं और कोमल मिलकर खाएंगे, है ना? मैं अभी अम्मा को बोल के आता हूँ। भगवान झूठ ना बुलवाए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना मालिक घर पे ही मिलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात को मारे घर आने का कोई मकसद? छोटे मालिक, जैसे ही मुझे कोमल के बारे में पता चला ना, मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधा चढ़ा आया। विजय बाबू, मैं इस घटना से दुखी भी हूं और हैरान भी। अब होनी को कौन टाल सकता है इंस्पेक्टर साहब? हर चीज अपने हाथ में नहीं रहती, भाग में जो लिखा होता है वही होता है। अरे परंतु भगवान को क्या हमारा ही भाग्य बिगाड़ना था? अरे ये घटना किसी और के साथ हो जाती तो भगवान का क्या जाता? नीम जी, आप दुख जाहिर कर रहे हैं या बददुआ कर रहे हैं? चुप रहिए। अरे कैसे चुप रहूं इंस्पेक्टर साहब, ये छोटे मालिक के दुख से तुम्हारी छाती फटी जा रही है, दिल बैठा जा रहा थे। नीम जी, आप इस तरह से अगर दुख जाहिर करेंगे तो विजय बाबू का गम और बढ़ेगा। विजय बाबू, मेरे लायक कोई भी काम हो तो प्लीज बताइएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इंस्पेक्टर साहब, छोटे मालिक की सेवा के लिए हम है ना अपना खून पसीने की तरह बहा देंगे। नीम जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? इस घटना की चर्चा बार बार करके आप विजय बाबू के जख्मों को कुरेद रहे। अरे कैसी बातें कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, हम छोटे मालिक के जख्मों को कैसे कुरेद सकते हैं? हम तो उनके लिए मरम है मरम, और ये मरम ऐसे संकट के समय में काम नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? क्यों छोटे मालिक? मुनीम जी, अगर आप अपनी खैर चाहते हैं तो अब ये प्रलाप बंद कर दीजिए। अरे तुम मेरे दुख को प्रलाप कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें इंस्पेक्टर साहब। अरे ये जो आंसू है ना, ये कोमल बिटिया के दुख में निकले हैं, और तुम मेरे आंसुओं की हंसी उड़ा रहे हो। भगवान झूठ ना बुलवाए मालिक, कैसे कैसे झूठे लोग इस दुनिया में है। चुप! झूठ ना बोला है इस दुनिया में, अगर कोई सबसे ज्यादा झूठा है ना तो तू है।
तू है मुनीम। नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं मालिक। दुखी? मारे दुख पे मातम मना के मारे जख्मों पे नमक छिड़क रहा है तू, और दुखी है तू? क्षमा करें मालिक, क्षमा करें। अरे मुनीम, मारे दुखों को यहां तू के कोई नहीं समझ सकता। मारे सीने पे जो घाव लगा है ना, उसका मरहम किसी के पास नहीं। इस सीने पे जो चोट लगी है ना, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। अरे मारे अंदर जो दुख का तूफान उठा है ना, उसका कारण यूं नहीं कि मारी छोरी मर गई, और उसका कारण यूं भी नहीं कि मैं उसकी नजरों में अच्छा बाप साबित नहीं हो पाया। विजय चौटाला की एक लौती छोरी अचानक एक्सीडेंट में मारी गई, और मरने से पहले उसने मारे से बगावत की, तो उसे बागी बनाया किसने? मारा सवाल यू है, किसने बागी बनाया उसे? बने या उसकी माने? किसने बनाया उसे? बागी बनाया उसने जिस पर उसने भगवान से भी ज्यादा भरोसा किया, अपने पिता से भी ज्यादा इज्जत दी उसे, उसने बागी बनाया उसे, और वो कोई और नहीं मारा अपना बड़ा भाई सुशील चौटाला। उसने बागी बनाया, और उसकी उसकी विषैली बहू, हां मारी बर्बादी का कारण वही 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 बहू। इस चौटाला परिवार में अब तक जितना और जो कुछ भी बुरा हुआ है, उसका सिर्फ एक ही कारण और एक ही नाम, सरोजनी राघव। माँ, मैंने आईएएस की एग्जाम पास कर ली है। ये देखिए लेटर आया है, तूने कलेक्टर की परीक्षा पास कर ली। हाँ माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा सपना सच हो गया। आज तुम डर गए सुनील? ये कैसा घटिया मजाक है? हाँ